अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद हाजा एहाते सात गुम्बज मस्जिद तैयबा की कमेटी के तरफ से मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपके चैनल के थ्रू। हमारे आज़ाद रिपोर्टर साहब का बहुत बड़ा ताउन रहा जब से ये मस्जिद आबाद हुई। मस्जिद आबाद होके 7-8 साल हो गए। मस्जिद को आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट भी हमको थोड़ा कोऑपरेशन कर रहा, मगर हमारी हुकूमत से खास करके हरदिल अजीज़ तेलंगाना के सीएम केसीआर साहब और केटीआर साहब से और हमारे असद साहब से दरख्वास्त है कि सारे मस्जिदों को टेंट वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ी है। यहाँ पर हमारी मस्जिद को शेड के लिए हम कम से कम 7-8 मरतबा हम हुकूमत से मुतालबा भी करें और दरख्वास्त भी दिए ले आके, तो सारे मस्जिदों को शेड है, हमारी इस मस्जिद को शेड नहीं है। तो हमारा हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि थोड़ा शेड का और फुलरिंग का बंदोबस्त करिए। हर साल हम बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी तवज्जो दिलाने का मकसद ये है हुकूमत से कि इस मस्जिद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही। यह मस्जिद में कितनी पब्लिक आ रही है आप खुद देख सकते हैं, काफ़ी मुश्किलात का सामना है। यहाँ सांपा वगैरह इधर आते, जंगल का एरिया है, मुकाम है, थोड़ा फ्लोरिंग वगैरह हुई तो बेहतर होगा। हमारी दरख्वास्त यही है हमारी कमेटी के तरफ से। और टॉयलेट का बंदोबस्त नहीं है, यहाँ पब्लिक आ रही है यहाँ पर नमाज के लिए, टॉयलेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले बना तुम बोल के बोल रहे बना रहे हैं वो लोग। और इधर गड़े हैं उधर, यहाँ देखिए वजू खाने के पास पूरे घास उठी हुई है, सांपा वगैरह आए रातों में तो मुसल्लियों को तकलीफ होती। तो बस हमारी दरख्वास्त ये है केसीआर साहब से केटीआर साहब से कि हमारी मस्जिद के लिए आप तवज्जो दें और ताउन फरमाएँ। शुक्रिया।